छतरपुर में एक कोरोना मरीज ने संदिग्ध हालत में कोविड सेंटर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पूरे प्रदेश में इस तरह कोरोना मरीज के आत्महत्या करने का यह पहला मामला है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कोरोना मरीज के आत्महत्या करने से प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। छतरपुर के शासकीय उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास कोविड सेंटर में समीर खान नामक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल समीर खान नामक युवक की रिपोर्ट 2 दिन पहले पॉजिटिव आई थी। उसके बाद इलाज के लिए उसे महोबा रोड स्थित कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को यहां कलेक्टर और कमिश्नर दौरे पर आए थे। उनके दौरे के 2 घंटे बाद ही रात 12 बजे युवक फांसी के फंदे से झूल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब क्या जानकारी लगी है? अब जानकारी भी लगा कि उसको फांसी लगा दी है। यहाँ आए हैं, क्या वजह होगी? वजह तो कल कोई वजह तो मालूम ही नहीं है, 1% भी नहीं है। तो हम लोग तो बहुत अच्छी चीज़ चाहे जहाँ जाना पड़ता है राज्य ले जाते। हाँ, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि जो शासकीय उत्कृष्ट बालिका छात्रावास है महोबा रोड पर, वहाँ कोविड सेंटर में ऊपर के कमरे में जाके एक मरीज द्वारा पंखे से आत्महत्या कर ली गई है। ऐसी सूचना है, आगे कार्रवाई की जा रही है। समीर नाम का व्यक्ति है, वो सस्पेक्टेड था, कोविड सेंटर में रखा था। मुझे कैसे हो गया, क्यों हो गया, हो रही नहीं था, इस तरह की बात लगातार कर रहा था। उनके चाचा जी भी कल भी परसों भी मिले थे, समझाने की कोशिश विभागीय कर्मचारियों के द्वारा भी की गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।